हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे गेमिंग पर। दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट स्काइप। तो दोस्तों आपने पिछली वाली वीडियो में देखा होगा कि ये जो हमारे आप बेस दोस्तों उसको हम तैयार कर रहे थे दोस्तों, तो हमारे ब्लॉक यहीं पे ख़त्म हो गए थे दोस्तों। हमारे पास ब्लॉक दोस्तों ये था नहीं, तो दोस्तों हम इसको खोद रहे थे तो हमें इतना तो मिल गया था स्टोन, जिससे मैं थोड़ा बहुत बना सकता हूँ। तो इससे मैं पहले बना लेता हूँ दोस्तों। तो ये 12 से ज़्यादा बन जाएंगे आई थिंक, तो पूरे दोस्तों 48 बन चुके हैं दोस्तों। इसको हम बाद में लगा देंगे, पर पहले दोस्तों जितना भी ये आ रहा है स्टोन इसको मैं तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों एक रेड स्टोन आया तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, पर अच्छा यार इससे नहीं छूटेगा। शिट, मेरे को मेरी दूसरी पिकेक्स लानी पड़ेगी जो कि ख़त्म नहीं हुई है। नहीं, मेरे पास ही थी दोस्तों, मैंने उसको अपनी यानी अपने अंदर वाली चेस्ट में रख रखा था। तो उसको मैं हाथ में लेता हूँ, उसको तोड़ लेता हूँ। तो मुझे कलेक्ट हो गया यार, मैं इसको तोड़ लेता हूँ ताकि ऊपर का ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बस ये हमारे जितने भी ये जो स्टोन के आइटम है दोस्तों, बस ये टूट जाए वह मेरे को भी कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ आई थिंक दोस्तों। इतना स्पीड से टूट जाता है, कभी कभी कुछ कलेक्ट ही नहीं होता। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ अटपटी सी चीज़ आई है जिसको मैं तोड़ूँगा। चलो मैं तोड़ लेता हूँ पहले दोस्तों, मैं चेक करता हूँ। पर यार दोस्तों मैं इसको तोड़ लेता हूँ, इसे तोड़ना आई थिंक भाई इसमें इतना सबसे था क्या, मुझे पता नहीं था। तो मैं चेक कर लेता पहले, वैसे था क्या, तो ये डिस्पेंसर था भाई। बढ़िया चीज़ भी आने लगी, वो भी माइनिंग के अंदर डिस्पेंसर। चलो पहली बार सुना है दोस्तों मैंने माइनिंग के अंदर भी डिस्पेंसर आता है। और दोस्तों जो हमारा ये शोवेल था वो टूट गया है, और एक और ये हमारा दोस्तों पांडा आ चुका है। तो दोस्तों मैंने उसको, मेरे पास ही जो थी दोस्तों ये क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, मेरे को नाम याद नहीं है, बैम्बो दोस्तों, तो ये उसने ले ली और खाने भी लग गया। और दोस्तों एक मैंने इधर लगा दी थी, ये मैं जो दोस्तों ज़मीन पर खा लेगा, पर इसने ले ली। तो दोस्तों मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ी सी और दे देते हैं, आराम से खा लेगा दोस्तों, ताकि इसका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो भी जीव व्यक्ति है। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा खोदते हैं, हमें एक चेस्ट मिल चुकी है। तो हम देखते हैं दोस्तों इस चेस्ट में क्या है। यार शिट, इसको लगाता हूँ दोस्तों, हम देखते हैं इस चेस्ट में क्या है। तो दोस्तों हम इसको करते हैं क्लिक, तो इसके अंदर यार इतना काम का सामान नहीं निकला जैसा मैं सोच रहा था। तो ये जितने भी घास फूस है ना यार, लीव्स, हाँ दोस्तों इनको लीव्स ही बोलते हैं, तो इन सबको मैं पहले अपने पास रिस्टोर कराता हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, मेरा जी जितना भी सामान है सबको मैं खाली करा के आता हूँ। और मैंने शील्ड फेंक दी, अरे उठा ले भाई क्या हो गया, ये उठा क्यों नहीं रहा यार शील्ड को, बैठ के उठाएगा क्या यार, उठा क्यों नहीं रहा, अरे उठा लेना यार भाई मेरा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये शील्ड क्यों नहीं उठा रहा। तो दोस्तों यार ये उठा क्यों नहीं रहा मेरे बैग में यार, जगह ही नहीं कैसे उठाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्या फेंकू, कितना कुछ तो फेंक देता हूँ, उसको फेंक देते हैं अभी और उसको उठा दे दोस्तों। तो मैं इनमें से कुछ को रखवा के आ जाता हूँ, तो मुझे इसके अंदर रखवाना है दोस्तों। उसके अंदर मैं फ़िलहाल तो डिस्पेंसर रखवा देता हूँ, और इसमें मेरे को लगता नहीं कुछ रखवाना चाहिए मुझे, और उसके अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए मुझे इसमें। और इसके अंदर दोस्तों मुझे कुछ, तो ये तो पूरी चेस्ट ही फुल हो रही है, पर हमारे पास 20 ये थे तो उसको 20 हो चुके हैं दोस्तों। और ये हमारे पास एरो तो बचे ही नहीं भाई, एरो की थोड़ी सी भी जगह नहीं है इसके अंदर। और ये म्यूजिक कोबल स्टोन थे, तो दोस्तों इतना तो मैंने रखवा दिया है। और रात भी हो चुकी है भाई, बड़ी जल्दी रात हुई भाई, लड़ो मतो लड़ो मतो, अरे आगे चल जाऊँ तो मुझे लग जाएगी किसी के। तो दोस्तों मेरे पास 49 रेड स्टोन डस्ट हो चुकी है, तो भाई 64 के 3 स्टैक भर चुके हैं हमारे पास लैपिस के भी भाई। इतना सब कुछ सामान था दोस्तों, मुझे खुद को याद नहीं था कुछ। तो दोस्तों रात हो चुकी है, तो मैं पहले सबसे पहले सो जाता हूँ, उसके पहले कोई ज़ोंबी आए नहीं। तो दोस्तों अगर ज़ोंबी आ गए तो भाई काम पूरा ख़राब हो जाएगा। ये बीच में क्या आई थी, मेरा चेस्ट आई थिंक चेस्ट ही होगी दोस्तों। और मेरे पास जितना भी खाली ये हुआ है तो मैं इसको उठा लेता हूँ, और इसके अंदर से भी जो सामान है ये भी ले लेता हूँ दोस्तों। ये बुक अनब्रेकिंग 3 की, जिसको मैं लगाऊंगा दोस्तों हमारे सोर्ड में, वो भी दोस्तों आयरन की न्यू वाली बनाएंगे हम, उसके अंदर लगा देंगे दोस्तों उसको। पर उसके पहले मुझे जो जो इसके अंदर रखवाना है इसको भी मैं इसमें रखवा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ पहले, क्योंकि इसमें अब कुछ रहा ही नहीं, तो ये रखे भी क्या करेगी इस जगह पे। और दोस्तों मैंने पूरा अपना सामान जो था दोस्तों काम का नहीं था, उसको मैंने इसमें रखवा दिया है। और अभी भी एक चीज़ रहेगी, इसको भी मैं रखवा देता हूँ, तो ये इसको भी इसमें रखवा देता हूँ दोस्तों। और ये जितने भी मेरे पास ये ब्लॉक्स हैं ना, इनको भी मैं लगा देता हूँ पहले चल करके। तो दोस्तों यहाँ तक आ चुका हूँ, तो मैं इसको लगाना शुरू करता हूँ, और जल्दी जल्दी दोस्तों इसको लगा देता हूँ। दोस्तों ये फाइनली जितना था उतना मैंने लगा दिया है, बस अब मुझे जा करके मैं देखता हूँ पहले दोस्तों हमारी जो ये
फंडेंस इसके अंदर कुछ है या फिर नहीं बच के। तो दोस्तों उसमें कुछ नहीं है तो मैं तोड़ना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों एक और डिस्पेंसर आया है जिसमें भी इतना सब कुछ है यार, इतने सब का मैं करूँगा क्या, फिर भी हम ले लेते हैं यार, भी ये दे ही रहे हैं तो इतना। अरे यार फिर से इतने तीरों का मैं करूँगा क्या। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ये अभी हमारे पास है ना, ये जो इसको अभी हम दोस्तों यूज़ करने वाले हैं। और मेरे पास वैसे दोस्तों देखना है मेरे को कि ये जो बो होती है बनती कैसे। तो दोस्तों ये तो इनसे बनती है यार, पर इसके अलावा भी उसका क्या नाम है दोस्तों, मेरे को नाम देख के आना पड़ेगा पहले। तो मैं पहले दोस्तों चल करके नाम देख लेता हूँ उसका, जो दोस्तों आई थिंक इसका नाम है क्या, क्रॉस बो है दोस्तों उसका नाम। तो मैं चल करके दोस्तों उस पर क्रॉस बो लिखता हूँ कि हम इसको बना सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों उसको बनाने के लिए तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए जो कि स्पाइडर से मिलती है। पर यार आई थिंक मैंने स्पाइडर तो बहुत सारी मारी थी पर उनसे मुझे उम्मीद नहीं है दोस्तों किसने भी मुझे स्ट्रिंग्स दी होगी। चलो दोस्तों हमारे पास सिर्फ दो ही स्ट्रिंग्स है, तो मैं दो स्ट्रिंग्स है तो पहले तो इनको रखा देता हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों मैं पहले अब ये जो मैंने उगाया था इतना बड़ा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं पहले अब खोद लेता हूँ कि मेरे पास तीन ही कोबल स्टोन है और मेरे को दोस्तों एक आयरन मिल गया, तो इसको मैं इसमें रखवा देता हूँ। बाद में इनको हम एक जगह पे सही से रख देंगे। डिस्पेंसर दो पे चल गया और ये हमारे पास गोल्ड का भी थ्री ब्लॉक से चल, नहीं वन ब्लॉक है ओनली। और दोस्तों ये जो तीर थे इनको भी मेरे को इसमें रखवाना है। फिर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ जितने भी तीर है, तो दोस्तों मैं पहले अपनी ये जो डायमंड है इसको ले लेता हूँ। और दोस्तों मुझे चाहिए कुछ स्टिक और मुझे चाहिए दोस्तों ये, जिससे दोस्तों मैं अनब्रेकिंग लगा पाऊँगा हमारी जो डायमंड की सोड है। दोस्तों मैं सोच रहा था पहले अपनी आयरन की सोड से लगा लूँ, पर दोस्तों मैंने देखा कि हम दो डायमंड से एक सोड बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया था यहाँ पे लेके, तो ये रही दोस्तों हमारी डायमंड की सोड, इसको मैं बना लेता हूँ। तो दोस्तों देखता हूँ मैं अपनी डायमंड की सोड कैसा लग रहा। तो दोस्तों लगता हूँ बहुत बड़ा रेड डायमंड के सोड के साथ और आयरन का आर्मर है भाई साहब। तो दोस्तों एनविल पे आ चुके हैं हम, तो मुझे रखनी आई थिंक यहाँ पे एक ये चेस्ट का दोस्तों बुक, और दोस्तों उसका मैं नाम भी रख सकता हूँ शायद। तो दोस्तों मैंने ये तो हो चुका है तो उसको क्लिक करता हूँ कि दोस्तों मैंने नाम चेंज नहीं करने वाला था। दोस्तों हमारे ये जो डायमंड सोड इसमें अनब्रेकिंग थ्री लग चुकी है। तो दोस्तों मेरे को पता नहीं है कि ये अनब्रेकिंग थ्री से होता क्या है, दोस्तों आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। पर हमारी जो ये दोस्तों जो लुकिंग आ रही है बहुत बढ़िया आ रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।